अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पिनच चिकन। ये आधा किलो ब्रेस्ट पीस है चिकन का, इनको मैंने धो दिया है, काट दिया है क्यूब्स में। इसमें मैं आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, एक दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, एक टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ, नमक टेस्ट के हिसाब से, एक टेबलस्पून मैदा भी ऐड कर देंगे इसमें, इसमें एक अंडा भी फोड़ देंगे, मिक्स कर देंगे और रख देंगे इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके। आधा घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट करके, तेल गरम हो गया है, एक एक पीसेस डाल देंगे इसमें फ्राई करने के लिए। स्लो फ्लेम पे इनको तीन तीन मिनट तक आगे पीछे करके फ्राई कर देंगे। तीन मिनट हो चुके हैं, इनको टर्न कर रही हूँ मैं। तीन मिनट पीछे भी टर्न करके हो चुके हैं, इनको निकाल देंगे। वन थर्ड कप ऑयल लिया है, चार टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है, तेल में अब 12 कलियां लहसुन की बारीक बारीक चॉप की हुई है ये ऐड कर देंगे। फ्राई कर लेंगे, एकदम लाल नहीं करेंगे, फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। ये एक बंच पालक है, धोकर मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया है, अब ये इसमें ऐड कर देंगे। फ्राई कर लेंगे पालक को भी, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे मैंने स्पिनच को फ्राई कर दिया है क्रिस्पी होने तक। चिकन जो फ्राई की हुई है ऐड कर देंगे इसमें। मिक्स कर देंगे, अभी फ्लेम मैंने लो कर दिया है। दो टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। टॉस कर देंगे इसको चिली फ्लेक्स के साथ। टॉस कर दिया है इसको, नमक कम लग रहा है, नमक भी ऐड कर देंगे, बस थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि स्पिनच में नमक होता है ऑलरेडी, नेचुरली इसमें नमक होता है। नमक डालकर भी इसको टॉस कर देंगे। गैस ऑफ कर देंगे। स्पिनच चिकन तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।